अमेरिका में कोरोना के बढ़ते केस, अब तक 3 लाख से ऊपर पहुंचा आंकड़ा। ट्रंप ने कहा अगले 2 हफ्ते होंगे मुश्किल। प्रिंस चार्ल्स के कार्यालय ने भारत के केंद्रीय मंत्री के दावे को किया खारिज। फ्रांस पर कोरोना की मार, अब तक 6,500 से ज्यादा मौत। पाकिस्तान में कोरोना के 2,000 से ज्यादा मामले आए सामने। इमरान खान ने कहा कोई खुशफहमी में ना रहे। सिंगापुर में कोरोना संक्रमण के 75 नए मामले आए सामने, जिनमें 7 भारतीय भी शामिल। कोरोना संकट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री और विपक्षी दलों के कई नेताओं से की बातचीत। लॉकडाउन से हुआ वातावरण बेहतर, जालंधर से दिखने लगा हिमालय। श्रीनगर में 17 लोग कोरोना पॉजिटिव, राज्य भर में अब तक 92 लोग। कोरोना की वजह से नोएडा में 30 अप्रैल तक बढ़ाई गई धारा 144। इंदौर के टाटपट्टी बाखल इलाके में 10 कोरोना पॉजिटिव केस पाए। गाजियाबाद में 10 इंडोनेशियन समेत 15 को किया गया क्वारंटीन। गुजरात बैंक कैशियर ने कोरोना वायरस के डर से चेक पर किया ऑयन। दिल्ली के कैंसर इंस्टीट्यूट में 2 और कर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, टोटल 6 पॉजिटिव। भारत में कोरोना से अब तक 77 लोगों की मौत। वेंटिलेटर में तब्दील की गई 10,000 एनेस्थीसिया मशीनें। शेरकोट, कोरोना के चलते ओवैस आलम ने की गरीब लोगों की मदद। कहा जो लोग मांग नहीं सकते उनका ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। कोविड-19 के चलते एयर डेक्कन ने काम काज किया बंद, सभी कर्मचारियों को भेजा छुट्टी पर। तमिलनाडु में लॉकडाउन के नियम का उल्लंघन करने पर अब तक 78,707 गिरफ्तार। अलीगढ़ में 5 विदेशी जमातियों के पासपोर्ट सीज़।